हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं देसी कढ़ी, वो भी खट्टी तीखी चटपटी सी। तो बस चलिए हम बनाते हैं। बनाने के लिए 3 कटोरी बेसन, 1 कटोरी दही, हल्दी 3 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार 4 बड़ी, तड़के देने के लिए 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मेथी, 1/2 चम्मच राई, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, हींग 1 चम्मच। अब चलिए इसका हम पेस्ट बनाते हैं पकौड़ी बनाने के लिए। 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। एक तरफ हम अपनी कढ़ाई को गर्म करेंगे और तेल डाल देंगे। तेल गर्म होता रहेगा तब से हम पेस्ट बना लेंगे इसका। पेस्ट को हम खूब अच्छे से फेटेंगे जैसे कि हमारी पकौड़ी खूब फूल कर आए, और पेस्ट हमारा हल्का नहीं होना चाहिए, गाढ़ा ही होना चाहिए जैसे हमारी पकौड़ी अच्छी बने। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हम पकौड़ी बनाएंगे छोटी छोटी सी। पकौड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, अब गैस को हम बंद कर देंगे। इसका हम घोल तैयार करेंगे। घोल बनाने के लिए 2 कटोरी बेसन लिए हैं, 1 कटोरी का पकौड़ी बनाया है। अब इसका हम घोल तैयार करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, दही 1 कटोरी। अब इसका अच्छे से हम घोल बनाएंगे, वो भी पतला। इतना पतला घोल हमें बनाना है क्योंकि बनने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए बहुत ही पतला बनाना चाहिए घोल इसका। अब हम गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम बड़ी डालेंगे। बड़ी हमारी हो चुकी है, अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हींग, अजवाइन, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे घोल। अब 15 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे अच्छे से। कढ़ी हमारी पक चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे पकौड़ी और बड़ी को। अब इसको भी डालकर 2 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे। कढ़ी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है, अब इसको हम एक साइड में रख देंगे और तड़का लगाने के लिए हम तेल गर्म करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे तड़का लगाने के लिए जीरा 1/2 चम्मच, मेथी 1/2 चम्मच, राई 1/2 चम्मच और लाल मिर्च खड़ी। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगा चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया। कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अच्छी लगे बनाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय।